राजस्थान में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को साधने में जुटी भाजपा अलग अलग यात्राओं के जरिए माहौल बनाने में लगी है। पहले जन आक्रोश यात्रा, उसके बाद परिवर्तन संकल्प यात्रा और अब आकांक्षा रथ के जरिए आम जनता के बीच भाजपा अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटी है। इस विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा इस बार चुनावी घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र तैयार कर रही है। खास बात यह है कि संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए पार्टी आम जनता के बीच जाएगी। इसके लिए आकांक्षा रथ तैयार किए गए हैं। यह रथ 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। इन रथों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बुधवार को जयपुर में हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भाजपा की ओर से इस बार चुनावी घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है। इस कमेटी के तमाम सदस्य प्रदेश की आम जनता से अलग अलग जगह जाकर संवाद करेंगे और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानते हुए सुझाव लेंगे। पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है इस घोषणा पत्र के जरिए घोषणा नहीं होगी बल्कि संकल्प पत्र तैयार होगा। इसका मतलब होगा कि पार्टी चुनाव में जो मैनिफेस्टो जारी करेगी वो पार्टी का संकल्प पत्र होगा जिसे सरकार बनने के बाद पूरा करने के लिए पार्टी वादे होगी। वहीं खास बात यह है कि संकल्प पत्र के सूची के लिए पार्टी के नेता आकांक्षा रथों पर सवार होकर गाँव ढाणी शहरों में छोटी छोटी सभाएं करेंगे और वहाँ की आम जनता से सुझाव लेंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि भाजपा कांग्रेस की तरह बंद कमरों में बैठकर घोषणा पत्र तैयार नहीं करती है बल्कि वो आम जनता से ही सुझाव लेकर तैयार करती है। उन्होंने बताया कि वो पार्टी का संकल्प होगा आम जनता से और उस संकल्प सरकार बनने के बाद पूरा किया जाएगा। भाजपा की ओर से चुनाव जीतने के लिए अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब भाजपा की ओर से आकांक्षा रथ कितने सफल होते हैं। लोकवार्ता न्यूज जयपुर।